तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे क्लास सेवेंथ का चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो न्यूट्रिशन एनिमल में हम एनिमल का डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे और ह्यूमन का डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का पढ़ेंगे, अमीबा का पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम पहले ये देखेंगे कि हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो हमारे मुंह से लेकर के कहां तक स्टार्ट होता है, आपके मुंह से लेकर के एनस तक स्टार्ट होता है, ये पूरा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि हमारे जो डाइजेशन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके पार्ट कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऑर्गन मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी हेल्प करते हैं, वो जो ऑर्गन है उनका वर्क क्या है, और उसके बाद हम कहीं जाके फिर डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे कि फूड का डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे कैसे होता है। लेकिन पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या है और कैसे कैसे हमारी बॉडी प्रोसेस करती है, कहाँ कहाँ फूड हमारा जाता है। तो आज हम बेसिक इसका पढ़ना स्टार्ट करते हैं और साथ में अपनी नोटबुक में एक अच्छा सा फिगर भी बनाए, देखकर फिगर बना सकते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, आपके देखो जब भी आप फूड लेते हैं तो फूड का इंटेक कहां से लेते हैं, अपने मुंह से खाना खाते हैं। अब मुंह से स्टार्ट करते हैं माउथ पे, तो आपका जो माउथ है उसे साइंस में कहते हैं बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में क्या क्या होता है, आपके पास ग्लैंड्स है जो आपकी टाइलिन यानी कि आपकी जो लार है वो बनाती है स्टार्च के डाइजेशन के लिए, और जिसकी वजह से खाना आपको इजिली आप गले से नीचे निकल सकते हैं। अगर लार नहीं होगी तो आप खाना कैसे निकल पाएंगे, सूखा थोड़ी खा सकते हैं, नहीं पानी के साथ बार बार थोड़ी पियेंगे आप। इसके बाद आता है अगर आपका माउथ से, इसके बाद आता है आपका ये वाला पोर्शन है थायरक्स। इसका मतलब होता है इसमें एक पार्ट होता है एपिग्लॉटिस जो आपके गले में घंटे जैसा लटका होता है। इसका काम क्या होता है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं, जब आप खाने को इंगल्व कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या करेगा, ये विंड पाइप को बंद कर देगा ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके लंग्स में आपको फूड चला जाए। और जब आप सांस ले रहे हो, ब्रीथिंग कर रहे होंगे, तो ये क्या करेगा, विंड पाइप को ओपन कर देगा और फूड पाइप को बंद कर देगा। यानी इसका यही काम है, कभी ये विंड पाइप को बंद करता है तो कभी ये फूड पाइप को बंद करता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट की बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप फूड ले रहे हैं तो विंड पाइप को बंद कर देगा, अगर आप ब्रीथिंग कर रहे हैं तो आपकी ये फूड पाइप को बंद कर देगा। तो क्लियर है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसको बोलते हैं आप इसोफेगस, साइंस की टर्म में फूड पाइप को बोला जाता है इसोफेगस, तो याद रखिए इसोफेगस है। इसके बाद क्या है, इसके बाद स्टमक स्टार्ट होता है। आप जो भी खाना खाते हो कहां जाता है, स्टमक में जाता है, और स्टमक में ऑलरेडी आपका पहले से ही क्या होता है, स्टमक लिक्विड भरा होता है, और स्टमक लिक्विड क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है। तो डाइजेशन में क्या करेगा, आप जो भी खाना खाते हैं वो अभी क्या है, उसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और आपके अदर कंपोनेंट भी फूड के, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए इस आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में इस पे लाइन होती है, अंदर इसकी स्किन में लाइन होती है, इनको बोलते हैं हाई लाइन्स। ये फॉर्मेशन करती है HCl का। तो HCl क्या है, एसिड है, HCl एक एसिड है। तो HCl का काम ये है कि जो भी आप फूड इंटेक करेंगे उसको एसिडिक फॉर्म कर देगा, और जो भी आपके बैक्टीरिया होंगे फूड में वो सारे किल हो जाएंगे। तो अभी हमारा खाना कहां पे था, स्टमक में था, जो भी आपने फूड लिया, और HCl आपका एसिड है जिसको आप बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस भी बोला जाता है। इसमें और भी सारे एसिड्स होते हैं लेकिन आपकी क्लास में इतना डीप में है ही नहीं है। स्टमक के बहुत सारे, स्टमक के तीन पार्ट भी होते हैं, इसमें यहाँ पे होल भी होता है, एक होल यहाँ पे होता है, तो ये आपकी बुक में है ही नहीं तो मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा। तो अब हम इतना पढ़ रहे हैं कि जो हम फूड लेते हैं उसमें एसिड होता है, जो फूड लेते हैं स्टमक में जाके वो एसिड के साथ मिलता है, उसका जो बैक्टीरिया होता है वो किल हो जाते हैं और आपको फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। जनरली आपका डाइजेशन तो आपके माउथ से स्टार्ट होता है यहाँ पे, लेकिन आपका जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिमिलर यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद फूड कहाँ जाता है, अभी सपोज करो कि आपने क्या किया, आपकी बॉडी की शुगर की रिक्वायरमेंट थी कि आपको 20 ग्राम शुगर खानी थी, यानी एक रसगुल्ला खाना था, उसको ऐसे समझते हैं। लेकिन आप कोई शादी में गए, आपने देखा रसगुल्ले बहुत सारे, आपने 10 रसगुल्ले खा लिए, लेकिन आपकी बॉडी की जो शुगर की रिक्वायरमेंट है वो एक रसगुल्ले के इक्वल है, आपने कितने खाए 10, तो बाकी जो 9 रसगुल्ले हैं उनका बॉडी में क्या होगा, अगर वो शुगर आपकी बॉडी में चली जाती है तो आपको तो डायबिटीज हो जाएगी, आपकी बॉडी की शुगर इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए आपके अंदर भगवान ने पहले से फंक्शन दिया है, क्योंकि गॉड को पता था कि आप मानोगे तो हो नहीं खाए बिना, तो उसने फंक्शन दिया पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, केमिकल भी और हार्मोन भी है।
इंसुलिन ब्लड की शुगर को कंट्रोल करता है। आपने जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाई है उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और आपकी बॉडी में फैट में जमा कर देगा, जैसे आपके गाल मोटे हो जाएंगे, पेट निकल आएगा, है ना। आपने देखो बहुत सारी आंटी होती है, उनके ऐसे मसल्स होते हैं आंटी के, तो वो क्या होते हैं, वो ग्लाइकोजन उनकी बॉडी में जमा हो रहा है जिसकी वजह से वो फैटी हो जाते हैं। वो इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि आप बोले सर शुगर मतलब हमारी मम्मी तो मीठा खाती ही नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको फैट स्टोर होता है बॉडी में, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी ग्लूकोज की फॉर्मेशन में बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, और जो आप शुगर ले रहे हैं वो भी तो ग्लूकोज ही ना, कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज है, वो भी ग्लूकोज में टूटता है। तो पेनक्रियास का फंक्शन हुआ इंसुलिन प्रोड्यूस करना। इंसुलिन आपकी ब्लड की शुगर को कंट्रोल करता है, नंबर वन। नेक्स्ट है जो आपका एसिडिक है, ये धीरे धीरे कहां जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑलरेडी इंटेस्टाइन जूस फिल होता है, वो क्या करता है, जो आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूटे थे उनको फर्दर और सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी एसिडिक फॉर्म में, अगर ये एसिड आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, पेट में जलन हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे, पेन होगा। तो इसके लिए एक और फंक्शन है, साथ में लीवर दिया है। लीवर का काम क्या है कि लीवर आपके डाइजेस्टिव जूस भी बनाता है। तो अगर आप लीवर को देखें तो लीवर बनाता है बाइल का फॉर्मेशन करता है, और बाइल क्या होता है, बाइल आपका बेसिक नेचर का होता है, ये बेस है, एसएल आपका एसिड है, तो एसिड और बेस दोनों मिलते हैं और ये इसमें चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आपने पढ़ा होगा कि कहीं पर भी एसिड और बेस की अगर रिएक्शन होती है तो आपके पास फॉर्मेशन होता है सॉल्ट प्लस वाटर, यानी नमक और पानी बन जाता है, तो इसलिए आपकी बॉडी में एसिडिटी होने से बच जाती है। इसके बाद जो आपका फूड है वो आपका क्या होगा, इसके अंदर ये टूट गया सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में, तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इससे ब्लड कैपिलरी जुड़ी होती है और इसके अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उंगलियों की तरह, जिनको बोलते हैं विली। इनका काम होता है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, यानी अगर आप देखें तो यहां से हमने क्या किया, इंजेक्शन, एसिमिलेशन और ये एब्जॉर्प्शन, यानी अभी बॉडी क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले रही है, बॉडी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आपका जो फूड है अब वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी आपका डाइजेशन नहीं होता है, ना ही कोई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, जस्ट ओनली जो आपका वॉटर है वो एक्सट्रैक्ट होता है, यानी जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वो उससे वॉटर को अलग करेगा और किसके पास भेज देगा, आपकी किडनी के पास, किडनी उसको प्यूरिफाई करेगी और टॉयलेट से जो भी गंदगी होगी बाहर निकल जाएगी आपका वेस्ट प्रोडक्ट। तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में फूड चला गया, इससे आपका वॉटर आपका एब्जॉर्ब हो गया। इसके बाद आपका स्टोरेज टैंक होता है, सब बोलते हैं रेक्टम। तो आपके रेक्टम में क्या होगा, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो भरता जाएगा, हंसो मत, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो भरता जाएगा। इसके बाद एनएसए होके आप सुबह जाएंगे और साफ खाली, टैंक खाली हो गया आपका जो भी खाया था आपने, ठीक है। तो बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं वो यही जो हमने बेसिक पढ़ा है। अब इसमें कई बार बच्चों को डाउट होता है, सर ये तो जो आपने स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है इसकी लेंथ आपने लिखी है 5 मीटर टू 6 मीटर, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन ये है इसकी लेंथ आपने लिखी है 1.5 टू 1.7, तो जब ये लार्ज है तो उसकी लेंथ कम क्यों हुई और जब ये स्मॉल है तो उसकी लेंथ ज्यादा क्यों हुई। एक्चुअल में जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दिए गए हैं वो लेंथ पे नहीं दिए गए हैं, वो डिपेंड किया गया कि पाइप कितना मोटा है। तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी पाइप छोटी होती है, ऐसे पाइप ही समझे दिया था ना, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे सर ने पाइप लगवा दी पेट में, फील कर रहे हैं लोग, इसे पाइप समझे। और जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी पाइप मोटी होती है, इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं बोलते हैं। अब कुछ लोगों को डाउट होगा सर 5 से 6 मीटर ये हमारे पेट में आती कैसे, भाई 5 से 6 मीटर लंबा तो काफी लंबा होता है, ये इतना 1 मीटर होता है, यहां तक देखो तो 1 मीटर है, मेरा हाथ देखो यहां तक, तो 6 मीटर लॉन्ग कैसा आएगा, तो बस ये आ जाता है पेट में, फिट किया भगवान ने सब ऐसे 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 करके फिट हो जाता है। तो आज हमने जो पढ़ा वो जनरली हमने बेसिक्स पढ़ा है कि आपको जो डाइजेशन है वो प्रोसेस क्या है, डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन यूज हो रहे हैं, पेनक्रियास का काम क्या है, पेनक्रियास आपका पिंक कलर का होता है, लीवर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीवर का काम क्या है, लीवर के फंक्शन बहुत ज्यादा है, लीवर को आप हेड मास्टर ऑफ डाइजेशन बोलते हैं और ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। विटामिन ए ये स्टोर करती है, इसके अंदर क्यूपर सेल्स होती हैं, जो क्यूपर सेल्स आपकी बॉडी की रेड ब्लड सेल्स को किल करती है,
ये भी इसका काम होता है, ग्लाइकोजन स्टोर करना भी इसका काम होता है, फैट को स्टोर भी ये करता है। तो इसके फंक्शन बहुत ज्यादा है। लीवर का फंक्शन ये भी है कि आपकी बॉडी की जो डेड सेल्स है यानी जो आरबीसी मर जाती है और आपको कभी अचानक से रिक्वायरमेंट पड़े तो ये क्या करेगा, जो आपके अंदर स्प्लीन होती है उसको फंक्शनलाइज कर देगा और फिर से जिंदा जाएगा। वो सब आपको नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। तो लीवर आपको बस इतना पढ़ना है कि ये गॉल ब्लैडर में क्या करता है, बाइल का फॉर्मेशन करता है, जो थैली मर जाता है, जो लीवर डक्ट से होते हुए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसमें पार्ट लिखे हुए मैंने कुछ डेडोनम, जेनोनम, इलियम, ये आपके स्मॉल जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके पार्ट है, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।